दोस्तों आपने मटन करी की रेसिपी तो बहुत तरह की देखी होगी और मटन मसाले की रेसिपी भी बहुत तरह की देखी होगी, लेकिन आज हम एकदम डिफरेंट तरीके की रेसिपी लेकर के आए हैं जो हम बनाएंगे मटन मसाला रेसिपी, और ये एकदम इसका फ्लेवर मटन कोरमे की तरह होगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। और ये हमने 700 ग्राम मटन ले लिए हैं और 6 से 7 पीस हमने प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब प्याज को अच्छी तरह से छील लिया हमने। अब इस सारे प्याज को अच्छी तरह से कट कर लेना है। और ये हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लौंग और 6 से 7 पीस छोटी इलायची और 3 पीस बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। अब इन सारे मसालों को हम एक पैन में डाल करके मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। इससे ये मसाले अच्छी तरह से मिक्सर में पिस जाएंगे और इनका फ्लेवर और बढ़ जाएगा और ये स्पाइसी बनेंगे। अभी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पैन को गर्म करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे और सारा मटन इसमें हम डाल देंगे। इससे जो मटन के कच्चेपन का जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और बस ये काम 5 मिनट तक करना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इसको। हल्का सा इसका पानी बस ड्राई हो जाए और इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे अच्छी तरह से कुछ चला करके। पैक करके इसको उतार देना है। अब हम कुकर को करेंगे गरम और इसमें 2 चम्मच हमने सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें 2 तेज़पत्ते, 4 पीस छोटी इलायची, 4-5 पीस हमने लौंग ले लिया है। अब अच्छी तरह से जब हीट हो जाए तो ये सारा जो प्याज कट करके रखे हुए हैं ये सारा प्याज इसके अंदर हमने डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद तुरंत हमने इसमें सारा मटन डाल देना है, इसलिए कि प्याज को ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। इसलिए मटन का पानी थोड़ा सा हम ड्राई कर दिए हैं। इसी प्याज के पानी से ही ये मटन अच्छी तरह से पकाना है और बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर इसका आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब इसके अंदर ये जो मसालों को हम पेस्ट बना के रखे थे सारा मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच मसाला इसमें से हम बचा लेंगे। और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। इन सब मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम कुकर से ढक्कन से ढक देंगे और ढकने के बाद 6 से 7 पीस हमने हरी मिर्च ले लिए, इससे हमारा मटन और स्पाइसी होगा। अब ढक करके इसको बनाना है और 10-10 मिनट के बाद इसको चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। और ये हमारा मटन 70% तक इसकी भुनाई हो चुकी है। इसको फिर ढक करके बनाएंगे थोड़ी देर, 10 मिनट और। ये हमारा मटन रेडी हो चुका है और थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए। और ये धनिया की पत्ती और हमारा मटन अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके कुकर के ढक्कन को हम करेंगे बंद और 2 से 3 सीटी लगाएंगे और हमारा मटन मसाला रेसिपी बन के रेडी हो चुका है। और हमें इसके अंदर 1 चम्मच जो मसाला हमने बचा के रखा हुआ था वो मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब एकदम ये मटन कोरमे की तरह लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में कुछ और इससे यूनिक टेस्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।